हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको आर्केड इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे कैसे टास्क कंप्लीट किए जाते हैं, आर्केड इवेंट क्या होता है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है, क्या क्या हमें रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्विक लैब्स की लिंक्डइन प्रोफाइल पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने का सबसे पहले फ़ायदा क्या है, क्योंकि क्विक लैब्स के जितने भी इवेंट्स आने वाले हैं, एक्चुअली आर्केड इवेंट क्विक लैब्स ही स्पॉन्सर कराता है, यही ऑर्गेनाइज कराता है, जो कि गूगल का हिस्सा है। तो गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजीज का इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इवेंट सेक्शन में जब इनके लिंक्डइन प्रोफाइल में इवेंट सेक्शन में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैलेंजेस या इवेंट्स आने वाले हैं इस आर्केड इवेंट के अंदर। जैसे इस जनवरी में जो न्यू आर्केड 2023 स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी दो इवेंट्स आ चुके हैं। एक तो न्यू ईयर न्यू स्किल्स एक चैलेंज है जिसका नाम ग्रीन चैलेंज भी है, और एक अपकमिंग इवेंट है जनवरी ट्रिविया। यहाँ पर ये एक मिस अपडेट हुई है कि यहाँ पर इनके हिसाब से जैन 3 को ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरे पास ऑफिशियल से लिंक आ चुका है जनवरी ट्रिविया में एनरोल करने का। उस पर मैंने वीडियो बना दिया अपने चैनल पे कि आप इस इवेंट में कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसका लिंक वगैरह सब उस वीडियो में गिवन है। तो इस इवेंट को वेबसाइट पे अपडेट होने का वेट मत करें, जल्दी से उस वीडियो में जाके इस इवेंट में एनरोल कर ले, नहीं तो हो सकता है आप लेट हो जाए इसको करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है। तो हाँ, फायदा क्या है, यहाँ पर इवेंट्स में जो भी नए इवेंट्स आने होते हैं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। जैसे मैं बताऊँ, इस चैलेंज की अपडेट आपको मिल गई कि ये कब आने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, कितने टाइम पीरियड में चलेगा, तो ये आपको पूरी डिटेल्स यहाँ मिल जाती हैं। जैसे आप देखें, जैन 1 से स्टार्ट होगी, जैन 7 तक चलेगा, और इवेंट लिंक आपको मिल जाता है। तो इवेंट की मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये मेन वेबसाइट है आर्केड इवेंट की, यहीं पर मेन अपडेट्स आते हैं, मतलब यहीं से आप जितने भी गेम्स हैं वो एनरोल कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देख सकते हैं लिखा है रिक्वायर्ड सब्सक्राइब टू एक्टिवेट द आर्केड फॉर योर अकाउंट। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जितने भी इनके इनसाइडर मेल्स आने होते हैं वो नहीं आएंगे। तो इनसाइडर मेल्स का फ़ायदा क्या है, तो इनसाइडर मेल्स का फ़ायदा ये है कि जब भी ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगा और इसका प्राइस काउंटर ओपन होगा, मतलब जहाँ से आप प्राइस रिडीम कर रहे होंगे, तो वहाँ के जितने भी मेल आने हैं, जितने भी प्राइस काउंटर के लिंक आएंगे, वो आपके इनसाइडर मेल पे आएंगे। वो यूनिक होते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं आएंगे और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सिंपली ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। मैंने कर दिया है, मैं फिर से नहीं कर रहा। जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, थैंक यू लिख के आ जाएगा, बस चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर कोई कन्फर्मेशन मेल नहीं आता है तो बस आप एक बार यहाँ पर थैंक यू लिख के आ गया, आपका काम हो जाएगा। अब इस सेक्शन की बात करते हैं। इस मंथ में जितने भी अपकमिंग चैलेंजेस और इवेंट्स हैं, यहाँ पर उनकी लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले एक इवेंट ओपन हो चुका है ग्रीन चैलेंज करके, न्यू ईयर न्यू स्किल ग्रीन चैलेंज। इसके बाद आएगा येलो चैलेंज, फिर रेड चैलेंज, फिर ब्लू चैलेंज। ये जल्दी, जैसे ही ये हमारा ग्रीन चैलेंज खत्म होगा वैसे येलो चैलेंज चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद रेड, फिर ब्लू, ऐसा रहता है। तो अभी ग्रीन चैलेंज ओपन हो चुका है, इस पर भी मैं पहले पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ। जैसे ही ओपन हुआ था मैंने इसकी अपलोड कर दी थी वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपने हो सकता है इसको मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ आगे जितने भी चैलेंजेस आने हैं उसके बारे में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगर ये मिस हो गया, ये चैलेंज आपका मिस हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स आने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एक दो छूट गए तो अब आप प्राइज़ नहीं ले पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास खूब सारे मौके रहते हैं, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले इस मेन जो भी इवेंट चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इस गेम के बारे में। आप आगे भी जो भी इवेंट्स आएंगे ऐसे ही एनरोल करना होगा आपको, तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बता देता हूँ। तो हर एक गेम के नीचे एक्सेस कोड होगा, इसको आपको कॉपी करके प्ले पे क्लिक करना होता है। वैसे मैंने इस पर पूरी वीडियो बना दी है कि आपको कैसे इनमें एनरोल करना है। तो उसके बाद यहाँ पर स्पॉट्स लिखे होते हैं। देखिए, मेन बात यह है कि जैसे ही इवेंट आता है लाइव, वैसे ही स्पॉट्स खत्म होने चालू हो जाते हैं। मिनिमम लगभग 2000 से 3000 स्लॉट्स आते ही आते हैं, लेकिन वो तुरंत के तुरंत लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर फुल हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको एनरोल करना होगा, नहीं तो आपके स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे। कल आया था तो अब 0 स्पॉट्स बचे हैं। जिसने मेरी वीडियो वो देख ली थी उसने तो एनरोल कर लिया होगा, ठीक है। तो एनरोल करने के बाद आपको क्या करना होता है, मेन चीज़ आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं लैब्स के फॉर्म में। आपको लैब्स दी होती हैं, जैसे इस वाले पर्टिकुलर फोल्डर में एक लैब आपको मिलेगी, इसमें दो लैब हैं, इसमें भी दो लैब हैं, इसमें भी दो लैब हैं, इसके बाद भी दो लैब। तो आपको ये सारी लैब जो आप कंप्लीट कर लेंगे 4 दिन के अंदर, अभी 3 दिन बचे हैं इस गेम को कंप्लीट होने में, तो 3 दिन के अंदर आप ये सारी लैब से परफॉर्म कर लेंगे तो आपको ग्रीन टिक लग जाएगा सारी लैब पे और आपको वो बैच मिल जाएगा। अब बैच मिलने से होता क्या है, बैच की वैल्यू देख सकते हैं, आर्केड पॉइंट 1 इस बैच की एक वैल्यू है। तो ये होता क्या है, इससे फ़ायदा इस पॉइंट से, तो अल्टीमेटली जब आप ये पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं
तो उसके बाद आपकी ये जो प्रोफाइल होती है, आप इस प्रोफाइल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। आप जब किसी भी प्ले चैलेंज के अंदर प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और साइड में आपका जो है अकाउंट आ रहा होगा, ऊपर देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में। आप यहाँ माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पब्लिक प्रोफाइल में जाना है, तो उसके बाद आपको आपके कितने बैचेस हैं वो दिख जाएंगे। तो अभी 2022 में इवेंट कंप्लीट हुआ था जिसमें मैंने भी थोड़ी सी गुडीज जीती, तो उसके लिए मुझे ऐसे बैचेस चाहिए थे। मेरे पास कई सारे बैचेस थे आप देख सकते हैं, तो टोटल मेरे पास जो वैलिड बैचेस थे वो 10 थे, तो उसके बेस पे मुझे कुछ गुडीज मिली हैं आप देख सकते हैं। मेरे पास एक पूरा ऑर्डर करने का मेल आया था, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड होने के बाद मैंने एक टी शर्ट एम किए हैं, तो ये वही सब है। ठीक है, तो इसके अलावा एक दूसरी आईडी से भी मैंने एनरोल किया था, उससे मैंने एक एनालिस्ट ऑर्गेनाइजर मंगाया है। तो इस तरीके से आपको फ्री स्वैग्स और गुडीज मिलते रहते हैं। तो करना क्या होता है, आपको उसके लिए ये लैब्स कंप्लीट करनी है। चिंता मत करिए, लैब्स ज़्यादा लग रही हैं देखने में, लेकिन मुश्किल से एक लैब 10 मिनट का टाइम लेगी आपको। सिंपली आपको लैब को एक्सेस कैसे करना है, जाइए एनरोल करने के बाद क्लिक करिए इन लैब्स पे, और उसके बाद आपको स्टार्ट लैब करना होता है। स्टार्ट लैब करने के बाद कुछ ये टास्क देख सकते हैं राइट साइड में, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ये आपको 4 टास्क कंप्लीट करने होते हैं। हर लैब में अलग अलग टास्क होते हैं, आपको टास्क कैसे कंप्लीट करने हैं, कुछ कोड्स गिवन होते हैं उनको कॉपी करके इनके शैल में पेस्ट करके क्वेरीज रन करानी होती है। तो सर हम ये कैसे कराएं, अब हमें तो गूगल क्लाउड के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो चिंता मत करिए, इसके ऊपर हर एक लैब के ऊपर, हर एक लैब को कैसे कंप्लीट करना है उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, 10 मिनट के अंदर आपकी एक एक हर एक लैब जो है वो कम्प्लीट हो रही होगी। तो ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं अब वीडियो को, मैं अब इस वीडियो को रैपअप करने स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको मेन मेन चीज़ें बता दी हैं, आपको इस चैनल पे, इस मेन वेबसाइट पे आके ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी ये चैलेंजेस बचे हैं जैसे ही अपलोड होंगे, जैसे ही आएंगे मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप लिमिटेड टाइम में स्लॉट्स खत्म होने से पहले एनरोल कर लें। और इसके जो है स्लॉट्स खत्म हो गए हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कुछ अपडेट्स कह रही हैं ऐसा कि आज शाम को और स्लॉट्स खुल सकते हैं। अगर स्लॉट्स खुले तो मैं तुरंत आपको एक वीडियो अपलोड करके अपडेट कर दूंगा, अगर नहीं भी खुले तो चिंता की बात नहीं है। मेरे भी पिछली बार कई सारे इवेंट्स छूट गए थे, लेकिन फिर भी मुझे एंड में काफ़ी अच्छे स्वैग्स रिडीम करने का मौका मिला। ठीक है।